ఏం దొరికాయి చేసా మరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ లెర్నింగ్ విత్ దొరికే చేసే ఆశ్రమీకా స్వాగతం దోస్తో జసా మే ఆశ్రమ కా మే దా యూపీ మే పూరే లగ్భగ హర జనపద ప్రత్యేక జనపద మే జీ సీటెడ్ కి కోచింగ్ చల్ రే వీ మే దా జాదా టీచరో సీటెడ్ టెట్ బారే మే పతా నీ సీటెడ్ క్యా హె టెట్ క్యా హె బస్ పడా జా రే సంస్కృత అధ్యాపక సంస్కృత పడా రే మ్యాథ వాలే వహీ టీచర్ సంస్కృత మ్యాథ పడాతే పోలీస్ కో మ్యాథ పడాతే వీడియో కో పడాతే ఆర్బీఓ కో పడాతే ఫిర్ వహీ టీచర్ పునః సీటెడ్ వాళ్ళ కో పడాతే तो जबकि सी टेट यू पी टेट से कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए आज अपने चैनल पे प्रतिदिन वीडियो देने के लिए कुछ सब्जेक्ट के टीचर को कलेक्ट किया है और शायद वो सभी आपके लिए आज से प्रतिदिन वीडियोज बनाएंगे। आइए मैं आपको एक महान भाव से मिलवाता हूँ, सबसे पहले डॉक्टर इंद्रेश यादव। डॉक्टर इंद्रेश यादव ये बीएचयू से पीएचडी है, इनकी जो डिग्री है ये संस्कृत से नेट जेआरएफ एसआरएफ प्लस पीएचडी है। तो शायद मेरे हिसाब से इतनी बड़ी हायर डिग्री लेके कोई व्यक्ति सीटेट अभी नहीं पढ़ा रहा होगा, शायद ये पहली मेरी कोचिंग है और आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं या हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे टीचर ट्रीट करेंगे या पढ़ाएंगे। इनकी संस्कृत में कमांड तो कहना मतलब सूरज को दीपक जलाने के बराबर, सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, क्योंकि यह व्यक्ति खुद से एस आर एफ जे आर एफ नेट प्लस पी एच डी संस्कृत में। तो इतनी बड़ी डिग्री के साथ आप सभी को यह प्रतिदिन संस्कृत और हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक बताइए सर बोलिए। हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर इंद्रेश यादव और आप लोगों को मैं संस्कृत टेट और सी टेट इन दो विषयों में संस्कृत में विशेष रूप से हम एक प्लानिंग के साथ एक समय योजना के साथ और किस तरह से पेपर में प्रश्न आ रहे हैं उत्तर देंगे। संस्कृत में विशेष रूप से जो पूछ रहा है, ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से कोचिंगों में पढ़ रहे हैं और टीचर्स उनको हिंदी में पढ़ा रहे हैं और पेपर में जाते हैं तो प्रश्न आता है संस्कृत में, तो बच्चों के बीच में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि उन्हें पढ़ाया किस तरह से जाए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों को संस्कृत में मैं सिखाने का और प्रश्नों को बताने का समझाने का पूरा प्रयास करूँगा और वो हमारे आप वीडियो में देखेंगे पूरी तरह से संस्कृत और हिंदी इन दो सरल रूप में आपको जो है परीक्षा में कैसे प्रश्न को आप समझेंगे और फिर संस्कृत उसका उत्तर देंगे। हम लोग अपने वीडियो में देखते हैं।